सबसे पहले टेस्ट के डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? जहां जहां तुम्हें प्रॉब्लम आई है बता देना मुझे, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर वन, क्लियर? ठीक है। प्रॉब्लम नंबर टू, प्रॉब्लम नंबर थ्री, फोर, बोलो। कहीं भी डाउट होगा बता देना मुझे, वहीं बता दूंगा। प्रॉब्लम नंबर सिक्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर? क्या है? चार्ज स्टोरेज को बढ़ाने का, एनर्जी स्टोरेज को बढ़ाने का। समझ में आ रही बात? ओके। सेवेंथ हो गया। प्रॉब्लम नंबर एट नहीं हो पाया सोहेल, इजी है बहुत, नहीं हो पाया पार्थ। क्या है एसर्शन? क्या है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर नॉर्मल टू एन एसर्शन? भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एक्सर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ये लिखा, एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन अलग बात को बता रहा है, एसर्शन अलग बात को बता रहा है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ये है। बाकी अगर तुम इतना भी लिख कर आ जाओगे ना कि एसर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, तब भी ठीक है, आंसर मिल, मार्क्स तुम लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है। नाइन्थ हो गया, सबका हो गया, गुड। टेन, इलेवन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हिताक्षी तुम्हारा भी हो गया, तुम्हारा इधर, बहुत बढ़िया। तो ये क्यों कह रहे हो भाई पेपर अच्छा नहीं हुआ है? ओके। ट्वेल्व, ठीक है। थर्टीन, फोर्टीन, फोर्टीन नहीं हुआ। सरफेस पर 10 वोल्ट है, सेंटर पर भी 10 वोल्ट होगा यार, जीरो। पोटेंशियल की बात हो रही है देवी जी, पोटेंशियल की बात हो रही है। बताएं ना, होलो सरफेस, होलो स्फीयर में जितना सरफेस पर होता है उतना ही सेंटर में पोटेंशियल रहता है। मैं तो बताई थी ये बात क्लासरूम के अंदर, यार कैसे भूल जाते हो तुम लोग। सेक्शन भी देखा आप लोगों ने, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई समझने में? आसान हो गया अब सेक्शन भी तुम्हारे लिए। और मतलब ये लगभग चार चार नंबर के दो हैं, आठ, 15 का 5th, ठीक है, 5th देखते हैं क्या है। थ्री पॉइंट चार्जेस क्यू माइनस टू क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट। वैसे ना मतलब मैं 5th बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि इसमें अभी सीबीएसई ने दिया नहीं है, लेकिन इन पांच में से कोई चार ही सॉल्व करने होंगे आप लोगों को वहां पर, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकेंड भी बता देंगे, कोई बात नहीं, पहले 5th बता देता हूँ, ठीक है? लेकिन चार ही सॉल्व करने के लिए आएंगे, चार नंबर में ना, एक क्वेश्चन एक नंबर में रहेगा आपके पास में, ठीक है। थ्री पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस के टू क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस एट पॉइंट, ये दे रखे हैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। वाई इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक रखा है यहाँ, एक रखा है ओरिजिन पर, और एक रखा है हमारा एक्स एक्सिस पर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर। देख भाई, मैं एक बार चार्जेस को देख लेता हूँ, क्यू माइनस टू क्यू और क्यू। किसी ने किया ये प्रॉब्लम? गुड। यहां रखा है प्लस क्यू, यहां माइनस के टू क्यू है, हमने सबसे दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, याद आया मैंने कराया था ऐसा क्वेश्चन, और यहां रखा है प्लस क्यू, ये है बेटा, ठीक है। ये डिस्टेंस भी है आपके पास में ए, और ये डिस्टेंस भी है आपके पास में ए। इसकी डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल की? नेगेटिव टू, और इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव टू। ये भी कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, एंगल कितने डिग्री है? रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? और वो होगा पी अंडर रूट टू। पी को आप लिख सकते हैं क्यू ए अंडर रूट टू। सो करेक्ट आंसर इज अंडर रूट टू क्यू ए। देख लेना कौन सा करेक्ट होगा। ए ए करेक्ट है, ठीक है। नहीं, तुम्हें कौन सा बताना था? 15th का 2nd पार्ट। समझ गए हो पार्थ? ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस इंक्लाइन एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स बट नॉट टॉर्क। अ टॉर्क बट कहा है? यूनिफॉर्म में रखा है ना, ना कोई फोर्स लगेगा ना टॉर्क लगेगा। अगर कोई, मैंने बताया था एक तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता। ट्रांसलेटरी मोशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस पर जितना फोर्स आगे काम करता है उतना ही पीछे काम करता है, तो लीनियर फोर्स तो जीरो हो गया। दूसरी बात, वो घूमता भी नहीं है। अगर घूमता भी है तो मैंने बताया था वो इस तरीके का सी सॉ वाला मोशन करता है, एक तरफ टॉर्क पॉजिटिव तो एक तरफ नेगेटिव, यानी फोर्स भी कितना होगा जीरो और टॉर्क भी कितना होगा। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता फिर कहानी कुछ और होती,
ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इसलिए फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है। ठीक है, ओके, 15 क्लियर है तुम्हें? तो कोई डाउट नहीं है 15 में, 15 क्वेश्चन में? इससे पहले है कोई डाउट? है, टेस्ट दिया था, लिखा था कुछ टेस्ट में, डाउट आया था? पूछो। सिक्सटीन में बताओ बेटा, बहुत आसान है यार, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। चौथा बताना है, सिक्सटीन का फोर्थ पार्ट, ये वाला, द रेशो ऑफ ई फ्रॉम राइट साइड ऑफ बी, ओके, एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, 1:1, डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज शीट जो होती है ना हमारी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। आपको बी वाले से 4 सेंटीमीटर और दूर 2 सेंटीमीटर दूर कहा है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहां निकालेंगे हम लोग, यहां जीरो है तो यहां भी कितना होगा, यहां भी जीरो होने वाला है हम लोगों का, ठीक है? तो आंसर होगा 1:1, ठीक। और 16 तक कोई डाउट नहीं है? जल्दी बोलो। सेक्शन सी में आ जाते हैं, ये 4-5 क्वेश्चन है आपके सामने, बताओ इनमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कौन सा? ओके, और बताइए। कोई बात नहीं, बता दें। यूजिंग गॉस लॉ शो दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट इनसाइड अ होलो चार्ज कंडक्टर, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। और बताओ, 19 हो गए डाउट, 20, अरे एक मिनट, 21 क्या हुआ उसमें? ठीक, मैं बताता हूँ। और 19 हो गया, 21 हो गया, अरे यार 22 मत पूछना, कितनी बार बता दिया है मैंने, 2-3 बार बता दिया है। 31 पर पहुंच गए हम लोग, 22 भी डाउट है भाई, चलो 22 भी बताएंगे। 23, 24 नहीं है, तो दो बताने हैं मुझे, दो क्या, तीन बताने हैं मुझे, एक 19 बताना है, एक 21 बताना है, एक 22 बताना है। 16 देवी जी आप लेट हो गए, मैं बता चुका हूँ 16, अब बाद में पूछ के जाना मुझसे अगर छूट गया है तो। चलिए 19 से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो 19 में क्या है, यूजिंग गॉस लॉ, पूरी बेंच को ना क्लास से बाहर कर दूंगा यहां से, समझ नहीं आ रही बात, दिख रहा है क्या लगा हुआ है? चार बच्चे बैठे हैं और बातचीत इनकी कम नहीं होती है। देखो भाई, ये पूरा स्फेरिकल सरफेस और इसके सरफेस पर हमने पॉजिटिव चार्ज को कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है? पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ये इसका सेंटर है, माना सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले स्मॉल आर को रेडियस मानकर हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तो आपको एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट अस एज्यूम ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर वेयर स्मॉल आर इज अ लेस देन ऑफ कैपिटल आर, समझ में आ रही बात? ओके, अब हम लगाएंगे गॉस के थ्योरम यहां पर, जैसे 2 नंबर में सवाल है ना, तो 2 नंबर के सवाल को आधे पे से ज्यादा नहीं लेके जाना, यानी 3-4 स्टेप से आगे नहीं लेकर जाना है आप लोगों को, 3-4 स्टेप में अपनी बात फिनिश करनी है आप लोगों को। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फ्लक्स का फॉर्मूला है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हो? और दूसरा फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, समझ में आ रही बात? हमने एक छोटा सा एरिया यहां कट कर दिया जिसे हमने डी ए का नाम दिया, ठीक। अगर हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देखते हैं या एरिया हम देखते हैं, ये छोड़ो इसे भी मत लिखो, तुम एक काम करो सीधा स्टेप तुम लिख दो, ये फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, हमने दोनों इक्वेशन को क्या रखा आपस में, इक्वल रख दिया, इक्वल क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल चार्ज एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, एरिया है गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस की रेडियस है स्मॉल आर, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर,
मेन काम है चार्ज का, ये जो QT यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तुम्हें गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो तुमने ये स्टेप नहीं किए ना? स्टेप तो करने पड़ेंगे यार, करके दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, बिना स्टेप करे कैसे आंसर आ जाएगा? नहीं तुमने ये लिखा, ये भी लिखा, दोनों ये नहीं लिखा, दोनों को इक्वल भी नहीं रखा। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो QT कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जीरो। ठीक है, ओके। और कौन सा था? When two capacitor of capacitance, ये डब्बे से का मतलब माइक्रोफेरड से था। ठीक है यार, इतना तो खुद समझ जाया करो तुम लोग, मतलब इतना पूरा कैपेसिटेंस तुम्हें पढ़ा दिया और फिर भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इस बॉक्स का मतलब क्या है। अबे इतना तो कॉमन सेंस रखा करो यार, बॉक्स का मतलब यहाँ किस चीज़ से है? 3 माइक्रोफेरड से है। जब हमने उसे सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या कैपेसिटेंस है जरा बताओ? सीरीज में जोड़ने पर कितना है? 3। और पैरेलल में जोड़ने पर कितना है? तो बेटा पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1+C2=16। मेरे कुछ याद आ रहा है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था क्लास के अंदर। और सीरीज में जोड़ने पर क्या होता है? C1+C2=3। C1+C2 की वैल्यू कितनी है? 16। मल्टीप्लाई करेंगे इधर, C1+C2=2 कितना जाएगा? 48 आएगा या नहीं आएगा? 48। ऐड करने पर कितना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? मैं तो यहां से डायरेक्ट बता दूंगा लेकिन तुम्हें पूरा करके दिखाना पड़ेगा कैसे। यहां से C1 की वैल्यू निकालो या C2 की निकालो, कितनी निकलेगी? 16 माइनस के C1, उसे उठाकर यहां पुट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, C1 C2 निकालो, तब जाकर तुम्हारा आंसर पूरा होगा। अगर तुम डायरेक्ट बताओगे ना तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, फिर तुम्हें वही एक नंबर या डेढ़ नंबर मिलेगा, आधा नंबर तुम्हारा कट जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे आपको। बता सकते हो डायरेक्ट आंसर यहां से? 12 और 4, 12 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 48 ही आएगा। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। नहीं समझे? ठीक है। 22, ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 500√x, x की पावर 1/2 यानी √x। यहां से फ्लक्स क्या करेगा बेटा? यहां से फ्लक्स एंटर करेगा, दिख रहा है ये ब्लू वाला सरफेस दिख रहा है आप लोगों को? तो यहां से जो फ्लक्स एंटर करेगा उसका नाम होगा इनवर्ड माइनस, उसे हम लिखेंगे 500√x, लिखेंगे ना भाई, और मल्टीप्लाई करेंगे इसके एरिया से। बताओ इसकी साइड कितनी है? 20 है ना, तो ये खाली ये वाला एरिया कितना होगा? खाली ये वाला एरिया बताओ कितना होगा? ये एरिया होगा 20 × 20, तो ये बन जाएगा 400 × 10⁻⁴। एक्स की जगह क्या रखोगे? ओरिजिन से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई? ओरिजिन से लेकर यहां तक की डिस्टेंस एक्स की जगह रखेंगे 20 सेंटीमीटर। दिस इज इनवर्ड फ्लक्स, आया समझ में? सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना, वहां तो मैंने बदल दिया, यहां तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब निकालते हैं आउटवर्ड फ्लक्स। एक तो आउटवर्ड फ्लक्स प्लस में होगा, कितनी होगी वैल्यू? 500√x। एरिया तो यही होने वाला है भाई, जितना एरिया उधर का था उतना ही एरिया इधर का होगा। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा 400 × 10⁻⁴। बताओ x की जगह क्या रखेंगे? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 40। x की जगह रख देना 40 सेंटीमीटर, मीटर में बदल देना, दोनों को ऐड करना, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। आ गया समझ में? हाँ भाई क्लियर है, बढ़ू आगे अब तो 24 तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, होगा तो मुझे बता देना 24 तक। अब इसके आगे आ जाइए, बताइए कौन सा क्वेश्चन बताए? 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 25 तो नहीं है किसी का डाउट, बता रहा हूँ अभी। 26, 27, 28, 29, तो इसका मतलब तो सबके नंबर पूरे आने चाहिए फिर, है भाई? और 30 है, 30 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम्ब एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस, फाइंड द पोटेंशियल
एट इट्स सेंटर, ये तो निकाल दिया होगा, हेक्सागन के छह कॉर्नर है, एक कॉर्नर की वजह से निकालो, छह से मल्टीप्लाई करो। वॉट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी कैप्ट एट द मिड पॉइंट एम ऑफ वन ऑफ इट्स साइड सो दैट द पोटेंशियल एट सेंटर बिकम्स जीरो। ठीक है, देखो सवाल में हमें क्या कहा कि एक तो हमें उसका साइन बताना है, डेफिनेटली नेगेटिव होगा, कैसा होगा, क्योंकि बाकी सारे पॉजिटिव हैं तो वो पक्का नेगेटिव होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तभी तो जीरो बनेगा जाकर, समझ में आ रही बात। अच्छा, रखा कहाँ है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट पर रखा है, समझ में आ रही बात, तो हमें उस चार्ज की वैल्यू बतानी है। अब देखो हम कैसे करेंगे बेटा, ये रहा हमारे पास में हेक्सागन कुछ ऐसे, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई है, और ये है हमारे पास में एफ। ठीक है, ये हम लोगों ने लेट कर दिया मिड पॉइंट, हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है क्यू, मिड पॉइंट का चार्ज हम लोगों ने लेट कर दिया है क्यू डैश। अरे भाई समझ आया, साइड बताओ कितनी दे रखी है इसकी, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। लो भैया, तो ये हर एक साइड हमारी 20 हो गई। ठीक है, अच्छा ये तो 20 हो गई, ठीक है, ये साइड कितनी हो जाएगी ये बताइए, ये कितनी है भाई, 20, ये भी 20 है, ये कितनी रह गई हमारे पास में, 10, ये कितनी है, 20, ये एंगल है हमारे पास में 30 डिग्री, कितना है बताओ, समझ में आया नहीं है। अब क्या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस निकाल दो, सेंटर पे निकालना है ना आपको पोटेंशियल, या आप साइन 30 का यूज करके या कॉस 30 का यूज करके ये वाली वैल्यू को निकाल दो। मैंने इस वाली वैल्यू को नाम दे दिया है बेटा एक्स, क्या नाम दिया है। अब हम क्या लिखेंगे इक्वेशन, हम लिखेंगे पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू जीरो, उसने हमें गिवन दी है ये बात। ठीक है, तो सेंटर पर पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, जो चारों तरफ छह चार्ज रखते हैं एक तो उनकी वजह से होगा, एक ही जो मिड पॉइंट पर रखा है एक इसकी वजह से होगा, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि 6q/a, a का मतलब है 20 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, माइनस नहीं करेंगे, प्लस ही करेंगे, के बेटा मिड पॉइंट पर कितना चार्ज रखा है, क्यू डैश, डिस्टेंस कितनी है, इक्वल टू किसके है, क्योंकि टोटल पोटेंशियल हमारा जीरो के इक्वल है, छह की वजह से पोटेंशियल प्लस एक की वजह से पोटेंशियल। ठीक है, कॉमन क्या आएगा, यहां से जीरो में चला जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, मुझे ये बताइए, हमारे पास बचेगा क्यू डैश, क्या बनेगी क्यू डैश की वैल्यू, माइनस के क्यू, ये ए है भाई, कभी से भी क्यू समझ बैठो तुम लोग, ये ए है। ठीक है, माइनस के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए। अब देखो यार, क्यू तुम्हें पता है, गिवन दे रखा है तुम्हें, ए तुम्हारे पास में है 20 सेंटीमीटर, और एक्स कैसे निकलेगा, एक्स यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये कितना निकलेगा, अंडर रूट 300 × 10⁻²⁪ मीटर। समझ आया या नहीं आया, वैल्यू पुट करो, आंसर निकलो, क्यू डैश आ जाएगा। ठीक है, आ गई समझ में बात, बोलो। चलिए सेक्शन ई में आ जाते हैं, बोलो भाई, सेक्शन ई में तो डाउट नहीं होना चाहिए, 31 का फर्स्ट और सेकंड, क्या दो पार्ट है ना इसके, नहीं दो क्वेश्चन के ही दो पार्ट है, पहले ये बताओ ऊपर वाले में, इस वाले में, ठीक है, कौन सा बताऊं, ये वाला, अरे एक्सप्रेशन ड्राइव करूं यहाँ पर मैं, अब शाबाश, बहुत बढ़िया, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एट अ पॉइंट डिस्टेंस ऑफ, क्या दे रखा है, हाँ तो एक्सिल लाइन पे कौन सा होता है, एक्सिल लाइन का तुमने नहीं पढ़ रखा है। बी वाला पार्ट क्या है, ड्रॉ अ ग्राफ ई वर्सेस आर, ठीक है, क्या है बेटा हमारे पास में, ये बताइए, एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के इंटू 2p/r^e, और r के बीच में रिलेशन है कि e r की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां हमने किसे रखा, e, और यहां किसे रखा, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, आगे समझ में, बनाया यही, और कौन सा है बताओ, जल्दी बोलो,
एक्सियल लाइन की डेरिवेशन बहुत आसान है और बता रखी थी मैंने कि भाई इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, डेरिवेशन मैं नहीं बताऊंगा, वो अपने आप करें, ठीक है। 32 कर लिया सभी लोगों ने, गुड। इसके दोनों पार्ट कर लेना बेटा, सारे इंपॉर्टेंट हैं जितने भी बता रखे हैं। 33 तो मैंने एक दिन पहले ही बताया था ये वाला क्वेश्चन, तो ठीक है किया। और ये नीचे वाला जरूरत नहीं पड़ी, नीचे वाला कर दिया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। जिसने ऊपर वाला कर दिया ऊपर वाला ठीक है, जिसने नीचे वाला कर दिया नीचे वाला ठीक है। बोलो कोई और डाउट है क्या? कौन सा? 32 लो, कौन सा बताना है? कौन से वाला बताओ? 32 का सेकंड पार्ट, ये वाला। बेटा सीधे वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा? फिर वही डेरिवेशन आ गई है सीधे वायर के लिए, वो जो सिलेंड्रिकल हम इसके ऊपर लेट करते थे। क्वेश्चन की पहचान नहीं है इसका मतलब तुम लोगों को। कहाँ है दो बार? अरे 70 नंबर का पेपर अगर एक ही यूनिट में से बनाऊंगा तो क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही। हैं? 30 कहाँ है? ये वाला पहले, उससे पहले ऊपर पढ़ना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। अरे भाई शांत रहो जरा। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 टू R2। देखो प्रॉब्लम ये है, ये वायर दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, और यहां से ये हो गया R1 और यहां से ये डिस्टेंस हो गई R2, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है P और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है Q। अगर एक चार्ज को हम P से Q तक लेकर जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो पहले हम यहां इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम जो जनरल कंडीशन है ना डेरिवेशन की वो लगाएंगे। वर्क का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F(dx), ठीक है। फोर्स को हम लिख सकते हैं क्यू लेकर जा रहे हैं ना बेटा, फोर्स को हमने लिख दिया क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में कितना है dx, ठीक है। अब सीधे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आप ये देखो, dW=Q, सीधे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/2πε0λ/x dx। समझ में आ रही बात? टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है? R1, हमने चार्ज को कहां से उठाया? R1 से, और कहां लेकर गए हैं? तो ये क्या हो जाएगा? R1 से R2, ये हो जाएगा 0 से W। dW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W, लैम्डा और क्यू कांस्टेंट है दोनों बाहर, 2πε0b बाहर, अंदर बचेगा 1/x dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का, तो कितना हो जाएगा? और लिमिट है R1 से लेकर R2 तक, वैल्यू पुट कर देना आंसर आ जाएगा। एक बार x की जगह R2 रखना, अपॉन लगाना, फिर x की जगह R1 रख देना, तो ये बन जाएगा log R2/R1। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लो इसे, बढ़िया सवाल है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बता दो जल्दी करो, फिर मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करनी है। अबे थोड़ा सा उधर होके बैठ, दीवार से मिलके बैठ, तुम्हारे सबके बीच में कम से कम 3-3 फीट का गैप होना चाहिए, गैप मेंटेन करो बीच में, और उधर जा थोड़ा सा, ठीक है, तुम तीनों भी अलग होके बैठो। आ गया समझ में भाई जिसका डाउट था? ये क्लियर है ना? बढ़ू आगे? अब कौन सा बताया तुमने? अच्छा, क्यू अगर जीरो से बड़ा होगा तो क्यू पॉजिटिव होगा, और क्यू अगर पॉजिटिव होगा तो लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी,
ठीक है, और अगर क्यू जीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, लाइन्स अंदर की तरफ आएंगे ऐसे। ओके, और भी है कोई? कौन सा? 23rd। अच्छा ठीक है, रफ कर दो उसे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 23rd सही मायने में बहुत है, बहुत इजी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। टू लॉन्ग थिन पैरेलल वायर हैविंग अ चार्ज डेंसिटी लैम्डा वन, तो इतना हो गया, लैम्डा टू इतना हो गया, दोनों के बीच का गैप है 20 सेंटीमीटर अपार्ट, हमें बताना है उनके बीच में, बीच में बताना है, हाँ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच वायर। ठीक है, एक ही हो गया, एक ही हो गया, इस पर चार्ज की डेंसिटी लैम्डा वन, इस पर चार्ज की डेंसिटी लैम्डा टू, बीच में बताना है ना बेटा। तो लैम्डा वन कैसा है? नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। लैम्डा टू कैसा है? पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। एक दोनों की जो डायरेक्शन हो गई वो इस तरफ हो गई, आगे समझ में। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया हमारे पास में, वो हो गया E1 प्लस E2। E1 को हम क्या लिख सकते हैं? E1 को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 2λ1/r, और E2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 2λ2/r। अब लैम्डा 1 भी तुझे गिवन है, लैम्डा 2 भी तुझे गिवन है, 1/4πε0 तुझे पता है, और r की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ऐड कर देना आंसर आ जाएगा। अभी एक या दो साल पहले ही नीट में आया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन, यही डेटा था, सब कुछ यही था। ठीक है, आगे समझ में, कोई और तो नहीं है डाउट? 15 का 5th देखो भाई क्या डाउट है, ये वाला ना, देखो यहां चार्ज दे रखा है Q, यहां चार्ज दे रखा है -k2q, यहां चार्ज दे रखा है Q। हमने -k2q को ना थोड़ा सा ब्रेक करके लिख दिया, -q करके लिख दिया, तो एक डाइपोल तो इन दोनों के बीच में बन गया, माइनस और प्लस के बीच में, और एक डाइपोल इनके बीच में बन गया। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? माइनस से प्लस की तरफ P, इसका डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ P, दोनों के बीच में है 90 डिग्री का एंगल, रिजल्टेंट चला गया बीच में, जिसकी वैल्यू है P√2। समझ आ रही बात? और P को हम लिख सकते हैं √2। P का मतलब क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। कैसे निकालते हैं डाइपोल मोमेंट को? चार्ज इंटू उनके बीच का गैप, तो आंसर आ जाएगा √2qa। ठीक है, और नाइन्थ बताना है ना। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर बिकम्स डैश टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू व्हेन द एयर इन अ चार्ज आइसोलेटेड कैपेसिटर इज रिप्लेस बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। ठीक है, देखो फिर वही बात, अगर बहुत तरीके के साथ में देखा जाए ना, तो सवाल की जो लैंग्वेज है वो इनकम्प्लीट है। क्यों? मैंने आपको एक दिन पहले ही इस तरीके का सवाल बताया था। सवाल की लैंग्वेज में ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद आपने उस कैपेसिटर को रिमेन कनेक्टेड रखा है या डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो लैंग्वेज ऐसे हमें क्लियर नहीं, तो हम ये मानकर चलेंगे कि वो रिमेन कनेक्टेड है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन की एनर्जी कितनी हो गई हमारे पास में? 12CV2। फाइनल कंडीशन की एनर्जी में 12C कितना हो गया? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी के टाइम्स। जब वो रिमेन कनेक्टेड रहता है तो वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज इतना ही रहता है V2। सो न्यू एनर्जी इज अ के टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। ठीक है, बस लिख दिया ना, यही खाली के भी लिख कर आओगे तब भी सही है, 1 मार्क्स में है ना। ठीक, ओके, और कोई? बीच में मत बोलना फिर कि सर ये क्वेश्चन हमारा रह गया, 2 मिनट चाहे भले ही और ले लो आप लोग। नहीं है किसी का कोई डाउट? पक्का? हाँ ठीक है, बढ़ू अब मैं आगे। ओके चलो करें स्टार्ट। अब अगर इलेक्ट्रिक, सुनो मेरी बात, मैंने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आप लोगों को रिवीजन करा दिया। अगर आप अब अपने हिसाब से रिवीजन करते हैं, जो मैंने उस समय आपको पढ़ाया था उसमें से आप कुछ पढ़ के आते हैं, कोई समस्या आपको लगती है, तो उसके लिए आप मुझसे टाइम लेकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने आपको जितना बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब करा दिया है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको कराया था, तो उसमें से आप मुझसे एक्स्ट्रा टाइम लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अपनी कॉपी के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी,
देखो यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा काम एक जैसा था, लगभग लगभग सारी चीजें एक ही जैसी थी। यहाँ क्या है कि सभी चीजें बार बार बदलती रहेंगी, बदलती रहेंगी, तो थोड़ा बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन कम बनते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम बनेंगे यहाँ से, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन आपको लिखवा देते हैं। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। 2 तरीके से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिविजन करेंगे। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिविजन है सिंपल करंट, ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, यानी जो थियोरटिकल छोटी मोटी डेरिवेशन है हमारी, हम उनकी बात करेंगे। दूसरे पोर्शन में हम बात करेंगे सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किरचॉफ्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन लाइक पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। 2 पोर्शन में हमने उसे डिवाइड कर दिया है। डिलीट क्या हुआ है इसके अंदर से, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई सवाल आपको नहीं करना है। जो सर्किट डायग्राम आते हैं ना, सेल वाले जो सर्किट डायग्राम है वो तो हम जरूर करेंगे, जो सेल जिसके अंदर सेल लगती है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम आते हैं। लेकिन जो सीरीज और पैरेलल के आपके डायग्राम है या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं, वो आपको बोर्ड के लिए तैयार नहीं करने हैं, वो डिलीट हो गया है पोर्शन आपका, ठीक है। लिखिए अपनी कॉपी में अब आप लोग। फर्स्ट थियोरटिकल क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नंबर 2, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन 20 बार रिपीट हुआ है या 30 बार रिपीट हुआ है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है ये। करंट और वीडी के बीच में रिलेशन याद है, करंट और वीडी के बीच में रिलेशन किसी को, आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी, याद है ना, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओके। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं उनके ऊपर से क्वेश्चन जरूर बनेगा। रेजिस्टेंस लंबाई पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस और जो उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, तो उसी के नीचे लिख देना। पहले आप लोगों ने क्या लिख दिया, रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके नीचे लिख दो रेजिस्टेंस के जो फैक्टर हैं कौन कौन से हैं, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। उसके बाद में है रेजिस्टिविटी, 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 सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर एक ग्राफ इससे पूछा गया था बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, आप मार्क कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। बस थियोरटिकल पोर्शन यही है आप लोगों का जो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक, और बाकी ये सारा हमारे सामने आ भी जाएगा क्योंकि इसमें डेरिवेशन नहीं होते हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो जितनी चीजें मैंने लिखवाई है ना, ये सब आपके सामने आ जाएंगे जब हम रिविजन स्टार्ट करेंगे। कौन से वाला, वो तो मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा आप लोगों को। प्रॉब्लम नंबर 1 बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ये, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए ये। प्रॉब्लम क्या है, नेम द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कैरियर्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, समझ में आ रही बात, यानी जो करंट को पास कराने वाला कैरियर है वो कौन सा होगा। ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नोट करोगे या क्वेश्चन अपने आप से नोट कर लोगे बाद में, अपने आप नोट करो, मैं सीधा आंसर बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, किसका आंसर क्या है ध्यान से। नंबर 1 क्या है भाई आपके पास में, सिल्वर, क्या है बेटा, मेटल है ना, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन को पास कराने वाला होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन होंगे, यहां अगर आगे से कोई और भी मेटल आती है ना आपके सामने तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही करंट को पास कराएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 का जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स,
इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ दो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद। देखो हम लोगों को बेसिकली बात करनी है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की, नहीं तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ तो बहुत सारी चीज होती है। लगभग 212 तरीके के पार्टिकल्स हैं जो किसी भी एटम के अंदर मिलते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, और जैसे ही वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं ना वो इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, उनका मास तो फोटोन जैसा होता है, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, वो भी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की। जैसे सेमीकंडक्टर में पढ़ा था मेजॉरिटी कौन है माइनॉरिटी कौन है, तो हमें सिर्फ मेजॉरिटी की बात करनी है। यहाँ पर पार्टिकल तो बहुत सारे हैं, ऐसे अगर मैं पार्टिकल लिखवाने लग गया तो एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा 2 घंटे लग जाएंगे। पार्टिकल तो बहुत है, आपको बात करनी है सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की। नंबर वन को, नंबर टू क्या है भाई हमारे पास में, ए हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं यानी नेगेटिव आयन भी होते हैं और पॉजिटिव आयन भी होंगे आपके। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, ठीक है। नेक्स्ट अ वोल्टियस सेल, इसके अंदर भी नेगेटिव आयन भी होंगे और पॉजिटिव आयन भी होंगे, ठीक है। जितनी भी सेल होती है ना जिसमें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का आप यूज करते हैं, उसमें दोनों तरीके के चार्ज कैरियर्स में आपको मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे और पॉजिटिव भी मिलेंगे। ओके नेक्स्ट डी क्या है बेटा, ए लेड एक्यूमुलेटर। ये भी एक तरीके से बैटरी ही होती है जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव आयंस भी होंगे और पॉजिटिव आयंस भी होंगे। तो बी सी और डी तीनों का आंसर सेम है, नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस, ठीक है। ई में क्या है बेटा, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। अब जर्मेनियम कैसा सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम याद है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। कैसा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर दोनों तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं। मेजॉरिटी वाले की बात करनी है आप लोगों को। अगर ये एक्सट्रिंसिक होता, पी टाइप या एन टाइप होता, तो जैसे पी टाइप है, पी का मतलब पॉजिटिव है, वहां हम नेगेटिव ना बताते, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बताते, समझ में आ रही बात। तो जर्मेनियम एक इंट्रिंसिक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और होल्स भी होंगे, चार्ज कैरियर्स दोनों होंगे, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी। ओके नेक्स्ट एफ में क्या है बेटा, नाइक्रोम की बात हो रही है, निकिल प्लस क्रोमियम, दो मेटल का कॉम्बिनेशन है, मेटेलिक पार्ट है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में जी में, सुपर कंडक्टर। पहले तो ये बताओ कि सुपर कंडक्टर होता कौन है, मेटल, इसकी रेजिस्टिविटी, बिल्कुल, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, जीरो। यानी ऐसा कंडक्टर जब उसमें करंट पास होती है ना तो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती है, कोई ओपोजिशन नहीं आती है। ओपोजिशन कौन ऑफर करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओपोजिशन ऑफर करते हैं, समझ में आ रही बात। जब करंट के पाथ में कोई ओपोजिशन ना आए तो उस मटेरियल को हम नाम देते हैं सुपर कंडक्टर। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर कोई सुपर कंडक्टर नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं मर्क्यूरी की अपने सिलेबस में, मैं सुपर कंडक्टिविटी जो आपको लिखवा रहा था वहां आपको डिटेल में बताएंगे, अभी सिर्फ इतनी बात कर लेते हैं कि जो मर्क्यूरी है वो 4.2 केल्विन पर उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है और वो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो सुपर कंडक्टर के अंदर भी करंट कैरियर्स का काम इलेक्ट्रॉन्स ही कर रहे होंगे विद नो ओपोजिशन, यानी उनके रास्ते में कोई ओपोजिशन नहीं होगी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा, स्मूथली करंट पास हो रही होगी, ना कोई एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए सुपर कंडक्टर के अंदर जो करंट कैरियर्स होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, समझ आ गई बात। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 थी, अब 1 मार्क्स में आ सकता है, मटेरियल का नाम आपको दे सकता है और पूछ लेगा कि बताइए किसमें करंट कैरियर का काम कौन कर रहा है। देखो बेटा अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर। देखिए सेकंड पार्ट क्या है अपने अपने पास में, जरा ध्यान से देखिएगा। द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इज। सबसे पहले मैं आपको रिलेशन बता देता हूं बेटा। देखो रिलेशन क्या है, अगर कोई मेटेलिक वायर हमारे पास में मौजूद है, मेटेलिक वायर की लंबाई हमें दे रखी है एल, ठीक है, और मेटेलिक वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होकर यहाँ जा रहा है वीडी स्पीड से, और यहाँ का जो एरिया हमें दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमें दिया गया है कैपिटल ए। सो करंट, जो करंट यहाँ से यहाँ पास होगी और जो वीडी है, इनके बीच में एक रिलेशन होगा बेटा।
रिलेशन होगा ये स्मॉल एन ई ए वी डी, बहुत जबरदस्त रिलेशन है, बड़े अच्छे से आपको याद रखना है ये, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए का मतलब हो गया ये क्रॉस सेक्शन वाला एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया, और वी डी की हो गई वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये जो स्मॉल एन आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम, समझ में आ रही बात। कई बार हम टोटल वॉल्यूम को यहां लिख देते हैं एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। ये वाला एरिया कितना है ए, लंबाई कितनी है, तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल एन हमारे सामने बन जाएगा। ये करंट और वीडी के बीच में रिलेशन है। अब आप पढ़िए सवाल की लैंग्वेज, प्रॉब्लम की लैंग्वेज पढ़िए और देखिए आप लोगों से क्या पूछा है और क्या गिवन दिया है, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गिवन क्या है और पूछा क्या है हम लोगों से। बेटा क्या दिया है भाई, नंबर डेंसिटी दे रखी है। नंबर डेंसिटी का मतलब है स्मॉल एन, कितना है स्मॉल एन आपके पास में, 8.5 इंटू 10 की पावर 28, क्लियर। अरे बोलो भाई, क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर 3 meter लॉन्ग टू इट्स अदर एंड, ठीक है। यानी टाइम हमें बताना है वायर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में कितना टाइम लगेगा। वायर की लंबाई आपको 3 meter दे रखी है। अरे भैया जब वायर के अंदर करंट पास होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे या नहीं होंगे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही, बस हाउ लॉन्ग वो टाइम ही आप लोगों से पूछा है, ठीक है। एन हमारे पास में है, एल हमारे पास में है, एरिया हमारे पास में है, कितना है एरिया हमारे पास में, 2 × 10⁻⁶ m², और करंट है 3 A, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चलता है, क्या फॉर्मूला होता है टाइम का, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है या नहीं होता है। उसे यहां से लेकर यहां जाना है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एल, कितनी स्पीड से, तो टाइम का बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास में, एल अपॉन वी डी। बोलो समझ आया नहीं आया, लेंथ है तुम्हारे पास में 3 meter, क्या चाहिए तुम्हें, वी डी, वी डी मिल जाए तो पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। वी डी कहां से मिलेगा हम लोगों को ये बताइए, वी डी कहां से मिलेगा हमें, करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, सो वी डी की वैल्यू बताइए क्या बनेगी, करंट अपॉन एन ई ए, समझे बेटा क्या है वैल्यू बताइए, और वैल्यू पुट करके आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। करंट कितनी है आपके पास में बोलिए, 3, अरे बोल नहीं रहे हो क्या बात है, 3 है या नहीं है, स्मॉल एन भी है आपके पास में, स्मॉल ई भी है, एरिया भी है, यहां से क्या निकलेगा वी डी, वी डी को उठाकर यहां रखेंगे, लेंथ है, वहां से टाइम निकल जाएगा। कैलकुलेशन अभी करो अपनी कॉपी के अंदर और आंसर बताओ क्या आएगा। कैलकुलेशन अपने हाथ से करनी है भाई, ठीक है, अच्छे से कैलकुलेशन सही तरीके से करो और आंसर बनाओ क्या बनेगा। देखते हैं अभी किसी और का भी आने दो आंसर, निकला किसी और का आंसर।
बोल दो एक बार, 27.20 इंटू 10 की पावर 3 प्लस या माइनस? नहीं प्लस तो नहीं आना चाहिए, प्लस तो किसी कीमत पे नहीं आएगा यार। प्लस का मतलब समझ रहे हो, 3 मीटर लंबे वायर को इलेक्ट्रॉन को पार करने में बहुत सारे मिनट लग जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। माइनस माइनस 9 हो सकता है, नहीं माइनस 9 मतलब यार तुम मुझसे ही कराओगे सॉल्व। अरे भाई प्लस में तो किसी कीमत पे आएगा ही नहीं यार, कैसे आ जाएगा प्लस में? प्लस में आ रहा आंसर, हो सकता है भाई लेकिन प्लस में आना ना चाहिए आंसर। निकल जाएगा, बोलो मुंद्रम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां देखो भाई, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। लो भैया ये हो गया अपने पास में क्या एरिया, ठीक है, और क्या गिवन दिया हम लोगों को, ये हो गई अपने पास में करंट, ठीक है, और ये हो गया भाई डेंसिटी, हो गई ना डेंसिटी। लो भाई ये हो गई डेंसिटी स्मॉल डी, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में एटॉमिक मास, ठीक। सबसे पहले हमें निकालनी है ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड हम लोगों को निकालनी है, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, और 4 डेटा हम लोगों को गिवन है, ठीक। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ड्रिफ्ट स्पीड निकालने का तरीका क्या है, करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। बोलो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आगे मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम, बोलो है या नहीं। साथ में क्या है स्मॉल ई, साथ में क्या है एरिया, और ये क्या है वी डी। जल्दी बोलिए, समझ आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, तो अभी हमें क्या गिवन दिया है, आप ये देखिए भाई, ये है अपने पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कॉन्ट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है प्रॉब्लम की लैंग्वेज के मुताबिक। अगर आप उसके अंदर नंबर ऑफ एटम निकाल दो तो जितने एटम होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं समझे? देखो प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़ो, उसने कहा है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, अगर आप नंबर ऑफ एटम निकाल दो ना तो जितने एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देकर जाता है हम लोगों को। नंबर ऑफ एटम निकालने का तरीका क्या है, मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये एन दिख रहा है भाई आप लोगों को? अरे दिख रहा है, इस एन को हमने लिख दिया मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, साथ में है वॉल्यूम, ये है ई, ये है ए, और ये है वी डी, ठीक है। अब आप जरा बताओ मुझे ध्यान से बेटा, ये क्या है आपके पास में, और ये क्या है, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। सो करंट इज इक्वल टू डेंसिटी एन नॉट अपॉन एटॉमिक वेट ई ए वी डी। अब आप देखें कि क्या आपके पास में गिवन है और क्या गिवन नहीं है, क्यों भाई करंट है या नहीं है, डेंसिटी है या नहीं है, एटॉमिक वेट है या नहीं है, एन नॉट तो हमारे पास में पहले से होता है, एवोगैड्रो नंबर, स्मॉल ई भी है, एरिया भी है, क्या निकालेंगे यहां से, क्या निकलेगी वी डी की वैल्यू, बताओ जरा मुझे। वी डी की वैल्यू निकलेगी आई इंटू एम अपॉन, ठीक है, डी एन नॉट ई ए, समझ आया, निकालो और बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। करंट और वी डी के बीच में रिलेशन जो था ना, वहां से हमने क्वेश्चन को बनाया। ठीक है,
करंट है आपके पास में, एटॉमिक वेट भी आपके पास में है, और डेंसिटी है, एन नॉट भी है, स्मॉल ई भी है, एरिया भी है, सब कुछ आपके पास में गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर बनाना है। हो गया, क्या आंसर बना? समथिंग नहीं भाई, पावर में है कुछ? पावर में कुछ नहीं है? नहीं भाई, पावर का तो चक्का जरूर पड़ेगा, पावर तो एटॉमिक मास यूनिट आपको काहे में दे रखी है, एटॉमिक वेट काहे में दे रखा है? आप बाकी सब कुछ तो एमकेएस में पुट कर रहे हैं, थोड़ा वैल्यूज को भी पुट करने में ध्यान दो ना, एकदम से लग गए पुट करने में, थोड़ा ध्यान दो कि कौन कौन से डेटा हमें काहे में गिवन दिया है। स्मॉल डी डेंसिटी है, एन नॉट है, एवोगैड्रो नंबर एमकेएस यूनिट में क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर जो ये है 6.022 × 10³, ये आप कब रखते हैं? जब आप मास ग्राम में लेते हैं, काहे में लेते हैं? यहां मास हम काहे में लेंगे? किलोग्राम में लेंगे। समझ में आ रही बात? हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो एसआई में मास काहे में आएगा निकल के? किलोग्राम में आएगा या नहीं आएगा? तो हम लोग एन नॉट की वैल्यू कितनी लेने वाले हैं? मतलब लग गए बस सॉल्व करने में, कुछ ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, इसीलिए तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आते हैं, मार्क्स इसीलिए कटते हैं तुम लोगों के। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जल्दी बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है, अब सोचो कि किस तरीके से वैल्यू रखनी है। ये बेसिक 11th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है कि एमकेएस में वैल्यू फिजिक्स में रखी जाती है, और कौन सी वैल्यू को हम किस तरीके से चेंज करके रखेंगे। ठीक है, डेंसिटी एमकेएस में है, अरे है या नहीं है? करंट एमकेएस में है नहीं? ऐसा यूनिट है या नहीं है? ये भी ऐसा यूनिट है। तो कैपिटल एम को कैसा रखेंगे और एन नॉट को कैसा रखेंगे, बस ये आप लोगों को ध्यान देना है और खुद बनानी है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, बाकी हम लोग कल की क्लास ऐसे कंटिन्यू करेंगे अपना आगे। ठीक है, जितना बताया है इसे अच्छे तरीके से पढ़ कर आना।